अमेरिका से बढ़ते तनाव और मध्य पूर्व में तेजी से बदलते हालात के बीच ईरान कथित तौर पर परमाणु बम बनाने में जुट गया है। परमाणु मामलों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि ईरान परमाणु संवर्धन को 20% शुद्धता तक बढ़ाने जा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते का अब तक का सबसे बड़ा उल्लंघन होगा। हालांकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करना होता है। IAEA के मुताबिक ईरान ने बताया कि वो पहाड़ के भीतर बनाए गए परमाणु केंद्र में यूरेनियम को 20% शुद्धता तक संवर्धित करने जा रहा है। देश के टॉप परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जादेह की हत्या के बाद ईरान ने पिछले महीने संसद में कानून पारित कर यूरेनियम संवर्धन को 20% तक बढ़ाने का प्रावधान किया था। इस कानून के तहत ईरान संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं को ईरान के परमाणु स्थलों की जांच करने से भी रोक सकता है। बता दें कि सत्ता में आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में हुए ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया था। साथ ही ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसके बाद से न सिर्फ इमरान ने समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था, बल्कि बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन में भी जुट गया था।